welcome students how are you all i hope you all will be fine as you know you are reading the textbooks of computer science grade 10 uh, and published by national book foundation theke, as federal textbook board islamabad theke, federal textbook board islamabad so in this topic uh, in this book we are going to discuss the flowchart problems theke, as we have already dis have already discussed the flowchart symbols importance of flowchart so today we, our topic is हाउ टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फ्रॉम अ प्रॉब्लम ठीक है सो हमें आज फ्लो चार्ट को डिस्कस करना है उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है हमें फ्लो चार्ट को के प्रॉब्लम को देखते हुए हम उसमें से कैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं ठीक है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये इनको अच्छे तरीके से समझिएगा ठीक है so, सो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप इजिली जो है फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है सो फ्लो चार्ट नंबर वन सो इन दिस सेक्शन

हमने कुछ स्टेप्स को पढ़ा था ठीक है कि जब हम लोग फ्लोर चार्ट जो हम बनाना स्टार्ट करें ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो हमें कुछ स्टेप्स का पता होना चाहिए जैसे हमारे पास ये था कि इनपुट क्या होगी फ्लो चार्ट में किस टाइप की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है हमारे पास ठीक है डिसीजन टू बी टेकिंग मतलब क्या डिसीजन हमने लेने हैं किस डिसीजन के बेस पे हमें जो है फंक्शन को परफॉर्म करना था नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट मीज द आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग ठीक है आउटपुट प्रोड्यूस होनी चाहिए प्रोसेसिंग के बाद ठीक है सो फ्लो चार्ट को पढ़ने से ड्रॉ करने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रॉब्लम में क्या चीजें गिवन है जैसे फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ फाइव नंबर ठीक है हमने पढ़ा था कि हमें इनपुट पता होनी चाहिए फ्लो चार्ट में ठीक है सो इनपुट में अगर हम देखें तो हमें हमारे पास कितने नंबर गिवन है फाइव नंबर्स गिवन है ठीक है इन नंबर्स को हम वेरिएबल हम से जो है ड्रॉ कर लेते हैं वेरिएबल से इजीली हम समझ लेते हैं कि ए बी सी डी ठीक है फाइव वेरिएबल्स हैं हमें हमारे पास फाइव नंबर्स होने चाहिए लाइक वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है कोई भी नंबर्स हो सकते हैं ठीक है जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वन टू फाइव ही हो अगर आपके पास हाँ सीक्वेंस एक दिया हुआ हो आपने उस, उसी तरह उसको लिखना पड़ता है लेकिन अगर अगर आपको यहां पे फाइव नंबर मैंशन नहीं किए गए तो फिर आप कोई भी फाइव नंबर इजिली आप ले सकते हैं ठीक है सो ये तो हमारे पास इनपुट होगी नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज थी प्रोसेसिंग जो हमने स्टेप में पढ़ा था कि हमारे पास प्रोसेसिंग हमें पता होना चाहिए हमने फाइव नंबर्स को सम करना है तो सम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड प्लस ई ठीक है प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या चीज प्रोसेसिंग होनी चाहिए कौन सा फार्मूला हम प्रोसेसिंग में यूज करेंगे सॉरी दिस इज प्रोडक्ट ठीक है सो ए स्टेरक्ट बी स्टेरेक्ट सी स्टेरिकी स्टारेक्ट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज एवरेज फाइंड करने के लिए हमने वेरिएबल्स बनाने जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं फाइव नंबर्स हैं जो हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला होता है ठीक है इनको प्लस करते हैं और जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं आप उसे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं ठीक है सो so, हमें ये पता चल गया कि हमारे हमने फाइंड क्या चीज करनी है एल्गोरिदम में सम फाइंड करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है एवरेज फाइंड करना है ये हमारे पास इस चीज़, क्या चीज है जो चीज हमने फाइंड करनी है इस फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं ये हमने बताने हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ प्रोसेसिंग क्या है सम है प्रोडक्ट है या एवरेज है ठीक है नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होती है इनपुट होती है इनपुट नहीं होगी तो आप इन सब चीजों को प्रोसेस नहीं कर सकेंगे ठीक है so, सो हमारे पास क्या है यहां पे फाइव नंबर्स हमने इन फाइव नंबर्स में किस प्रोसेसिंग को हमने बन, जो है किस टाइप की प्रोसेसिंग हमने करनी है सम फाइंड करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करना है ठीक है सो ये हमने समझ लिया कि ये हमारे प्रॉब्लम हमा, हमें प्रॉब्लम में ये चीजें गिवन हैं कि है कि पांच नंबर हैं पांच नंबर के हमने सम प्रोडक्ट और एवरेज को फाइंड करना है और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज ये रिक्वायरमेंट है ठीक है सो अब इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है लेट्स सी जब भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं ठीक है तो हमने स्टार्ट यूज करना होता है फ्लो चार्ट जब आप लिखते हैं ना फ्लो चार्ट आपने ड्रा करना होता है तो आपने उसको स्टार्ट लेना होता है उस स्टार्ट के लिए आप एल्गो ये जो राउंडेड ट्राई एंगल सॉरी राउंडेड रेक्ट एंगल जो है वो यूज करेंगे ठीक है कि हम अपना फ्लो चार्ट क्या करें ड्रॉ करना स्टार्ट करें और इसके अंदर आपने जो वर्ड लिखना है स्टार्ट ठीक है स्टार्ट करने के बाद आपने जब आप फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपने इनपुट देनी होती है इनपुट के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज होता है डैट विल बी पैरोलोग्राम ठीक है जिस टाइप के इनपुट या आउटपुट ठीक है इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास पैरोलेलोग्राम यूज हो जाता है इस पेरोलोग्राम के अंदर आप मेंशन करेंगे कि आप क्या ले रहे हैं इसके अंदर इनपुट ले रहे हैं ठीक है और इनपुट में हमारे पास फाइव वेरिएबल्स हैं वो जो हम इसके अंदर क्योंकि हमने फाइव प्रोसेसिंग करनी है ठीक है अब जब आपने इनपुट भी उसको बता दी उसके बाद अगर आप देखें तो आप एल्गोरिदम में कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट में आप क्या चीज लिखते हैं फॉर्मुला लिखते हैं ठीक है लेकिन फ्लो चार्ट में आप क्या चीज ड्रॉ करेंगे ठीक है डिसीजन के लिए प्रोसेस uh, के लिए ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे प्रोसेस करना है प्रोसेस करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे ठीक है इस प्रोसेस में हम बताएंगे कि सम का फार्मूला हमारे पास क्या है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट क्या चीज फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट तो आपने लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का फार्मूला बताना है ए स्टैरिक बी स्टैरिक सी स्टैरिक डी और e ठीक है नेक्स्ट आप क्या चीज कर रहे हैं एवरेज जितना भी फार्मूलाज होंगे वो आप इस ड्रॉय एंगल में बताएंगे ठीक है चाहे आप सम एज रेवरिज डिफरेंस जितना भी कर रहे हैं आपने इस रेक्ट के अंदर सारे फार्मूलाज को आपने लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है तो ये क्लियरली मेंशन हो गया था हमारे पास इस प्रोग्राम से क्लियरली पता लग रहा था कि आपके पास पांच नंबर्स हैं आपने उनके अंदर कौन कौन से किस टाइप की प्रोसेसिंग करनी है वो आपने यहाँ पे लिखना है ठीक है सो ये यहाँ पे हम फॉर्मूलास लिख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं ठीक है ये जो है ग्राम, हमारे पास पैरा ये हमारे पास किस लिए यूज हो रहा होता है इनपुट के लिए ठीक है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज हो रहा होता है ठीक है मतलब ये क्या इसके अंदर हमारे पास नंबर्स हैं वेरिएबल्स हैं जो भी चीजें हैं हम सारी चीजें इस पैरा के अंदर क्लियरली मेंशन करेंगे ठीक है अब हमने उसको फॉर्मेल्स भी बता दिए इनपुट भी बता दिया अब हमें क्या चीज चाहिए आउटपुट तो आउटपुट के लिए अगेन हम पेरालोग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है आपने इन सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं होना ठीक है सो आउटपुट हम लिखेंगे कि आउटपुट में हमें क्या चीजें चाहिए थी सम प्रोडक्ट एंड एवरेज सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ठीक है ये मैंने हाफ ड्रॉ किया था ताकि इजीली जो है ना वो ड्रॉ हो सके ये जो है उसके बाद जब आपने आउटपुट बता दिया तो आपने अपने फ्लोर चार्ट को स्टॉप करना है मतलब उसको एंड करना है तो अगेन आप राउंडेड रेक्टेंगल जो है आप ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर मेंशन लिख करेंगे स्टॉप मतलब मेरा एल्कोरिदम यहाँ पे स्टॉप होगा देखिए अब यहाँ पे अगर आप इजीली देखें तो सिंपल हमने सिम्पल्स यूज किया हुआ है थ्योरेटिकल फॉर्म कुछ ज्यादा थ्योरेटिकल फॉर्म नहीं है इनपुट्स बताई हुई हैं फार्मूलाज बताए हुए हैं और आउटपुट अब कोई भी पर्सन होगा वो आएगा उसको समझ आ जाएगी कि भाई इनपुट में हमारे पास फाइव नंबर हैं हमने आ, जी ये अगर आप ये फार्मूला ये वाला ट्राइंगल रेक्टेंगल जो आप ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये फार्मूला या जो भी प्रोसेसिंग आपने इसमें परफॉर्म करनी है वो किसी को भी पता लग जाएगा भाई इसमें सम इसमें सम यूज हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है और एवरेज हो रहा है और आउटपुट में हमें तीन चीजें चाहिए डेट विल बी सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ठीक है सो so ये चीज हमने क्या किया हमने अपने एल्गोरिदम्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में क्या कर दिया है रिप्रेजेंट कर दिया ठीक है सो so ये तो था आपका एल्गोरिदम नंबर वन लेट्स मूव टू एल्गोरिदम नंबर टू ठीक है फ्लो चार्ट नंबर टू ठीक है ये हमारे पास है फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री अनईक्वल नंबर्स बेटा जब भी आप एल्गोरिदम लिखें या जब भी आप फ्लो चार्ट ड्रा करें तो आपने प्रॉब्लम्स को क्लियरली पढ़ना होता है समझना होता है अगर आप प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे तो आप ना ही फ्लो चार्ट ड्रा कर सकेंगे ना ही एल्गोरिदम लिख सकेंगे ठीक है सो हमने फाइंड क्या करना है लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है मतलब हमारे पास इनपुट में थ्री अन अनईक्वल नंबर है ठीक है और हमने उन अन अनईक्वल नंबर में से क्या करना है लार्जेस्ट फाइंड करना है ओके okay. हमारे पास फ्लो चार्ट किस चीज का ड्रॉ करना है हमारे पास कि हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है मतलब ये कि हमें आउटपुट में आउटपुट में क्या चीज़ पता लगे कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है ठीक है हमारे पास थ्री अनईक्वल नंबर्स है थ्री अनईक्वल नंबर्स ये कि हमारे पास वन टू थ्री ये सारी हमारे पास क्या है वैल्यू है ठीक है इन वैल्यू को हम क्या करें किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे तो ए बी सी मतलब ये कि मेरे पास थ्री नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स अनईक्वल हैं ठीक है अब मुझे इन तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट फाइंड करना है ठीक है तो so, ये हमारे पास प्रॉब्लम होगी uh, ये हमने प्रॉब्लम को समझ लिया इस वजह से आपको बता रही हूँ कि जब भी आप फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं या एल्गोरिदम ड्रा करते हैं आपको मस्ट पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम में चीजें क्या गिवन है जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ना फ्लो चार्ट एल्गोरिदम की वो सब प्रॉब्लम के अंदर गिवन होती है ठीक है आपने सिर्फ क्या करना होता है उसको एक सीक्वेंस में लिखना होता है ठीक है सो हमने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट के लिए क्या यूज करेंगे राउंडेड जो है रेक्टेंगल यूज करेंगे और उसके अंदर हम क्या लिख देंगे स्टार्ट मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे हम उसको बताते हैं कि हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर दिया है ठीक है अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है सबसे पहले हमने उसको स्टार्ट कर दिया ठीक है अब हमारे पास आपने ये किस चीज का सिंबल है आपके पास इनपुट का आपने इसके अंदर लिखना होता है इसके अंदर मेंशन करनी होते हैं इनपुट और इनपुट में क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं थ्री नंबर्स तो मैंने यहाँ पे थ्री इक्वल नंबर्स यहाँ पे मैंशन कर दिए ठीक है फ्लो चार्ट में आप क्या करते थे कैलकुल लेट ए इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू टू बे बी इज इक्वल टू फाइव सिक्स का लिखते थे ना आपने सिंपल यहाँ पे वेरिएबल्स को लिखना होता है कोई एक्स्ट्रा जो है न कहानी यहां पे नहीं लिखने होते सिंपल आपने इनपुट लिखा वेरिएबल्स कितने तीन है सिंपल मेंशन कर दिया वेरिएबल्स के अंदर आगे वैल्यूज मेंशन करने की जरूरत नहीं होती वो वैल्यूज हम एल्गोरिदम में मेंशन करते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमारे पास तीन नंबर है हमने कंपेयर करना है हर एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कंपेरिजन यूज करेंगे ठीक है कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कौन सा सिंबल होता है डिसीजन का ये वाला जो सिंबल होता है ठीक है कि अगर ए ग्रेटर है बी से या ठीक है एंड हमने यूज किया ए ग्रेटर है सी से तो आउटपुट में क्या आ जाए ए आर आउटपुट में हमें ए मिल जाए ठीक है ए में हमारे पास वैल्यू क्या है वन लेकिन प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो प्रोग्राम, प्रोग्राम जो प्रोग्राम होता है जितने भी वो उसको कंपेयर करेगा सिंपली तो नहीं ए दे देगा हम उसको तीन कंडीशन देंगे कि भाई इतने नंबर हैं आपके पास और आपने इनमें से कंपेयर करके बताना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ठीक है अब यहां पे आप मेंशन करेंगे ये आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया ठीक है डिसीजन बना दिया आपने डिसीजन को इस तरह लिखना होता है ये आपने लिख दिया अगर ऐसा है मतलब आपने यस मेंशन किया तो आउटपुट ए आ जाए और आउटपुट ए करने के बाद हमारे पास प्रोग्राम स्टॉप हो जाए ठीक है लेकिन हमने वन बाय वन तीन नंबर्स को कंपेयर करना है हमने सिर्फ ए को बी के साथ या बी को सी के साथ तो कंपेयर नहीं करना हमने बी को सी के साथ भी कंपेयर करना है हमने बी को जो है वो ए के साथ भी कंपेयर करना है ठीक है तो अगर नो मतलब ये कि अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो हम दोबारा एक डिसीजन का सिंबल बनाएंगे और इस पर लिखेंगे b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन लेस अगर ऐसा है तो फिर आउटपुट में b आ जाए अगर दोनों में नंबर नो है मतलब दोनों में ही वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं है तो सिंपली हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाए सी आ जाए ठीक है समझ आ गया और ये तीनों हमने इन तीनों डिसीजंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या चीज यूज की थी कनेक्टर ठीक है जब ये इस कनेक्टर का पर्पज ये होगा कि अगर ए है ना हमने हमने तो कंपेयर करना है ठीक है तो हम यहां पे डिसीजंस बना देंगे और तीन आउटपुट लिख देंगे यहां पे ठीक है या अगर आउटपुट ए में हुई तो फिर तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ठीक है अगर आउटपुट बी में हुई तो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा अगर आउटपुट ए और बी दोनों में नहीं है तो ऑब्वियसली फिर कहां पे होगी सी में होगी ठीक है तो हम सी के लिए डिसीजन नहीं बनाएंगे हम सिंपली ए जो है यहाँ पे आउटपुट लिख देंगे सी और स्टॉप ठीक है आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी ठीक है इसको मैं वर्बली भी जो है ना खुद लिख के भी समझा देती हूँ ठीक है ये तो मैंने आपको बुक में से समझाया था ठीक है नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं खुद बता रहे, बता दे दो फ्लोर फ्लोर चार्ज टू तो फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री अनिकल नंबर मैंने आपको बताया था पहले आपको इनपुट का पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपको टाइप ऑफ प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए कि हम किस टाइप की प्रोसेसिंग कर रहे हैं ठीक है थर्ड हमारे पास क्या चीज होती थी कि हमने क्या किस चीज को बताना होता है डिसीजन को क्या चीज हमारे पास डिसीजन है तो बेटा यहाँ पे हम डिसीजन में क्या चीज कर रहे हैं कंपैरिजन क्या चीज कर रहे हैं कंपैरिजन थ्री अन नंबर्स का क्योंकि हमें इस कंपैरिजन में क्या चीज फाइंड करनी है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि हमारे पास क्या है हमारी आउटपुट है ठीक है तो हम करेंगे ये कि हमने फ्लो चार्ट को बनाना है तो हम सबसे पहले राउंडेड रेक्टेंगल यूज करेंगे ठीक है जो कि हम और इस पर हम लिखेंगे स्टार्ट कि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट हो गया मैंने आपको बताया था कि फ्लोर चार्ट स्टार्ट करने के बाद आप फ्लो लाइन यूज करते हैं ताकि आप आगे जो है सिंबल्स जितने भी उनको आपस में कनेक्ट कर सकें ठीक है तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज थी आउटपुट थी आउटपुट को लिखने के लिए फ्लोर चार्ट में आप पैरालेरोग्राम यूज करते हैं ठीक है इसके अंदर आप मैंशन कर रहे हैं कि ये क्या चीज है आउटपुट है और आउटपुट में मुझे मेरे पास कितने नंबर्स हैं थ्री नंबर्स हैं ठीक है और आपने इसको एंड कर दिया ठीक है इनपुट में ठीक है इनपुट में मस थ्री नंबर्स हैं उसके बाद अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें वन बाय वन कंपेयर करना होगा जैसे हमने फ्लो चार्ट नंबर वन में सिंपली फार्मूलाज लिखा था नो no, वो तो सिंपल हमने टाइप हमारे प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है जो चीज हमें जरूरत होती है यहां पे हम क्या कर रहे हैं तीनों नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जब भी आप कंपैरिजन करते हैं ठीक है तो आप डिसीजन के सिंबल्स को यूज करते हैं ठीक है ये मेरे पास क्या है ठीक है, डिसीजन सिंपल है मैंने क्या डिसीजन बनाना है कि मुझे क्या चीज चाहिए मैंने इन तीनों को कंपेयर करना है तो सबसे पहले मैं किसको कंपेयर किसको करूंगी ए को कंपेयर करूंगी बी और सी से तो मैं लिखूंगी कि अगर ए ग्रेटर है ठीक है अगर ए चेक करना है हमारे पास कंडीशन होगी कि ए ग्रेटर है बी से या ए ग्रेटर है सी से अगर ग्रेटर है ठीक है यस yes, ये चीज आपने खुद ड्रॉ करनी होती देखती होगी देखनी होगी अगर ये ग्रेटर है तो मुझे आउटपुट में क्या मिल जाए ए के मतलब ये कि आउटपुट में आपने आउटपुट यहां लिखना होता है और आगे ए मेंशन करना है ठीक है कि आउटपुट में मुझे क्या चीज मिल जाए ए मिल जाए कि अब इन तीनों नंबर्स में से लार्जेस्ट कौन सा ए ठीक है फॉर एग्जांपल अगर ए नहीं होता ठीक है अगर ए ग्रेटर नहीं होता तो फिर मैं किस चीज को कंपेयर करूंगी बी को ठीक है मैंने सिर्फ ए को कंपेयर ही तो नहीं करना मैंने बी को भी करना है तो मैं क्या लिखूंगी बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी ठीक है ये नो क्यों यूज किया है मैंने कि अगर ए बी सी से ग्रेटर नहीं है तो फिर बी वाले पे स्टेप पे जाओ और बी को चेक करो कि आयदर बी ए से ग्रेटर है या नहीं या बी ग्रे से बी सी से ग्रेटर है या नहीं ठीक है अगर बी यहीं पे ग्रेटर हो जाता है तो मुझे आउटपुट में क्या चीज चाहिए आउटपुट में क्या चीज मिल जाए बी मिल जाए ठीक है अगर बी भी ग्रेटर नहीं है फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमें तीनों को कंपेयर करना है हम सिर्फ ए पे कंपेरिजन या डिसीजन बना के नहीं छोड़ सकते ठीक है हमने तीनों नंबर्स को कंपेयर करना है अगर यहाँ पे पांच नंबर हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पांच हैं ए बी सी डी E, ठीक है ये पांच नंबर है हमारे पास ठीक है तो हम चार फर्स्ट फोर नंबर तक हम ये डिसीजन लाजमी बनाएंगे ठीक है ये डिसीजन आपने लाजमी बनाना होता है फाइव फलन नंबर हम कह देते हैं कि चलो अगर इन चारों में से नहीं होगा पी तो एंड पे हमारे पास क्या चीज रह जाती है सी रह जाता है ठीक है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाए ठीक है यहां पे आपने यस yes लिखना होता है यस yes लिखेंगे तो ही आउटपुट आएगी अगर नो no लिखेंगे तो फिर वो अगली डिसीजन पे जंप कर जाएगा ठीक है तो हमारे पास यहां पे क्या चीज आ जाए आउटपुट में सी आ जाए ठीक है और इन तीनों को हम एक ही पेज पे क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे ऑन पेज है हमारे पास हमने यहाँ पे कनेक्टर ड्रॉ करने कनेक्टर के साथ ड्रॉ करने ड्रॉ करेंगे तीनों कनेक्ट करेंगे और एंड पे हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा स्टॉप और स्टॉप के लिए हम जो है ये ट्राइंगल uh, यूज करेंगे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे ये कनेक्टर मैंने कनेक्टर के साथ इन तीनों पेजेस को इन तीनों ऑन पेजेस को मैंने क्या कर दिया है कनेक्ट कर दिया ठीक है समझ आ गया आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी ये जो है मैंने आपको पहले बुक से समझाया फिर खुद से लिख के समझाया ठीक है so सो इसमें आपने आपको मैं एक दूंगी क्वेश्चन दूंगी प्रॉब्लम दूंगी आपने जो है ना उसको इसी प्रॉब्लम नंबर टू को सामने रखते हुए आपने जो है उसको ड्रॉ करना है ठीक है